उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को शनिवार दोपहर 1:30 बजे जयपुर NIA कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके रिमांड की मांग की। कोर्ट ने 12 जुलाई तक 10 दिन के रिमांड पर सौंप दिया। तालिबानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से सुबह जयपुर लाया गया। दोनों यहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे। दो अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ हैं। ये दोनों टेलर कन्हैयालाल के मर्डर की साजिश में शामिल बताए जाते हैं। कोर्ट के आदेश पर NIA चारों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करेगी। हालांकि NIA पूर्व में कह चुका है कि इनका आतंकी संगठनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कल ही SOG के ADG ने कहा है कि इन बदमाशों का पाक कनेक्शन मिला है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान बाहर मौजूद वकीलों ने जमकर हंगामा किया। कन्हैयालाल के दोषियों को फांसी देने की मांग की। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए STF और करीब एक दर्जन थानों का पुलिस जाब्ता कोर्ट परिसर में बुलाकर सुरक्षा के इंतजाम को और पुख्ता किया गया। हालांकि कोर्ट से आरोपियों को वापस ले जाते समय वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपियों को चाटे जड़ दिए। इस दौरान पुलिस को आरोपियों को पुलिस वाहन में बिठाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।